ये जगह माशाल्लाह बहुत ही पुरसकून है। आप सुन रहे हैं कि पानी का शोर है या फिर दूजी खप मैप आई है, ये पॉइंट जो है वो फितरत के आपको ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, लिहाजा मैंने ऐनक लगा लिया। मैं पिछले आधे घंटे से इधर ही बैठा हुआ था, आपको मैं ग्रीनरी दिखाता हूँ माशाल्लाह कैसी लश किस्म की है, और बीच में पगडंडियाँ बनी हुई हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं, गाँव वाले गुजर के जाते हैं, और क्या ही खूबसूरत सुबहान अल्लाह मुँह से बेख्तियार निकलता है। अस्सलामुअलैकुम, ग्रिप ऑन ट्रिप का नया एपिसोड और कश्मीर सीरीज़ मेरी चलने लगी है, आप रेडी हो जाएं, स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। और आज मैं जा रहा हूँ कुटन वाटरफॉल। सफ़र मेरा स्टार्ट होगा मुजफ़्फ़राबाद से, और जैसे कि आपको पता है कि नीलम झेलम डैम जो है यहाँ से तकरीबन 36 किलोमीटर दूर है। सिग्नल जो आपके सेलुलर कनेक्टिविटी है वो नीलम झेलम तक रहती है, लिहाजा जिन्हें फ़ोन शून कर लेने उत्थे तक कर लेना, अगों फिर जो कुछ नहीं लभना। और यू फोन कहते हैं कि चलता है आपका एस कॉम बन के, आपको मोबाइल को रीस्टार्ट करके या ऑपरेटर नेटवर्क सिलेक्शन में जाके उसको करने की ज़रूरत होती है यू फोन पर शिफ्ट। मेरे पास यू फोन की सिम नहीं है, लिहाजा मैं इस चीज़ को इन्जॉय करता हूँ कि दो से तीन दिन आपका रास्ता ना हो, फ़ोन आपके हाथ में हो लेकिन आपने उस तरह से यूज़ ना करना हो। 2.5 से 3 घंटे का ये सफ़र है और हम रास्ता देखेंगे। अभी जून का मिड स्टार्ट है, देखते हैं बर्फ़ कितनी पिघल गई है, दरिया का क्या सीन है। कुटन वाटरफॉल आपको पता है बड़ी फेमस है, और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह इसकी खूबसूरती नहीं है। 3 से 4 साल पहले यहाँ पे एक हादसा हो गया था बच्चों का, यहाँ पे 13 से 14 बच्चे फौत हो गए थे गिर के। उसको भी देखेंगे वहाँ पे, अगर उन्होंने कोई यादगार बनाई हुई है, पानी का फ्लो कैसा है, सराउंडिंग एरिया कैसा है, और ड्रोन का वहाँ पे क्या निज़ाम है। अभी मैं मुजफ़्फ़राबाद से अपना सब स्टार्ट कर रहा हूँ, रात में मुजफ़्फ़राबाद पहुँच गया था, और अब हम निकलेंगे कुटन वाटरफॉल, मेरे साथ रहिएगा। पहाड़ी इलाके में मौसम अचानक से बदल जाता है, कभी बादल मिलते हैं और यूं लगता है कि बारिश का माहौल बन रहा है, और थोड़ी ही देर बाद आपको सख्त किस्म की धूप मिलती है। मुजफ़्फ़राबाद से नीलम वैली जाना हो तो आप गोजरा बाईपास इस्तेमाल करें, यह आपको शहर के रश से बचाएगा। कश्मीर जन्नत नज़ीर की ये सीरीज़ मैं नीलम वैली से स्टार्ट कर रहा हूँ, और नीलम वैली में पहला बड़ा टूरिस्ट स्पॉट कुटन वाटरफॉल का है, जिसे कुंडलशाही वाटरफॉल भी कहा जाता है। नीलम झेलम डैम के बाद दरिया आपके राइट साइड पर आ जाता है, जो कि ताऊबट तक आपके राइट पर ही रहता है। आज का सफ़र तकरीबन 90 किलोमीटर का है, जिसे अगर वन गो में तय करें तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर लोग पंचग्राम वाटरफॉल या धनी वाटरफॉल पर रुकते हैं, और फिर कुछ जगहों पर एंट्रीज करवाना भी होती हैं, तो फिर मुजफ़्फ़राबाद से वाटरफॉल तक जाने में तकरीबन 3.5 घंटे लग जाते हैं। चलियाना सेक्टर क्रॉस करने के बाद एक बार फिर बादल आ गए और हल्की हल्की बारिश होने लगी। ऐसे मौसम का मज़ा तो बहुत है, मगर याद रखें तेज़ बारिश में नीलम वैली और नारान वैली में लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा बढ़ जाता है। बारिश क्योंकि हल्की थी इसलिए मैंने सफ़र जारी रखा, और वैसे भी कुंडलशाही अब 7-8 किलोमीटर दूर रह गया है। वाटरफॉल तक जाने के लिए आपको बाज़ार से उल्टे हाथ मुड़ना होता है, और बाज़ार में इस बात का साइन बोर्ड भी लगा है। बाज़ार से टर्न लेने के बाद बमुश्किल 2 किलोमीटर मज़ीद आगे सफ़र करके आप वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। ये 2 किलोमीटर बहुत ही खूबसूरत हैं। नाले की दूसरी जानी पहाड़ों पर कहीं कहीं घर बने हुए हैं,
जो दूर से देखने पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। कुनलचाही वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए अगर सफ़र मुजफ्फराबाद से शुरू करें तो यहां तक पहुंचने में आपको तकरीबन 90 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लगेंगे, जबकि सफ़र की सड़क बेहतरीन है। इस वाटरफॉल के करीब कुनलचाही, कुटन और जागरा में फैमिली के साथ रात रुका जा सकता है। यहाँ बहुत ही पुरसकून रिजॉर्ट भी मौजूद हैं जिनकी कीमत 3,000 से शुरू होती है। मोबाइल कवरेज की बात करें तो यहाँ एस्कॉम और यूफोन के सिग्नल आते हैं और आबशार पर कैफ़े, होटल और पब्लिक टॉयलेट की सहूलत भी मौजूद है। कुटन वाटरफॉल इसे कहते हैं, जगरन वाटरफॉल भी कहते हैं और कुंडलशाही वाटरफॉल भी इसे ही कहते हैं। तीन तीन इनके नाम हैं। और जो जगरन, यहाँ पे जगरन आगे गांव है, वहाँ पे बड़े अच्छे रिजॉर्ट हैं, कॉटेजेस बने हुए हैं फैमिली के लिए। और बेसिकली ये कुदरती वाटरफॉल नहीं है, ये कुंडलशाही को बिजली देने के लिए एक छोटा सा डैम बनाया गया था, टर्बाइन के लिए एक स्लोप बनाई गई थी, पर अब ये एक तफरीही मुकाम बन गया है। और गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। और अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि पहले यहाँ पे नाइट स्टे वाला सीन नहीं था, अब यहाँ पे होटल भी खुल रहे हैं और इसके यहाँ पे पीछे लोग हाइकिंग भी करने जा रहे हैं। इस साइड से यहाँ पे एक चश्मा जा रहा है राइट साइड से, जो इस चश्मे के मेन स्ट्रीम में ऐड हो रहा है, और ये आगे से जो मेन स्ट्रीम है ये दरिया नीलम में जाके ऐड हो जाती है। ये एक बड़ा इसका मुआवन नाला है जो दरिया में गिरता है। और यहाँ से आपको मैं बता रहा था कि बाबून टॉप का भी ट्रैक निकलता है, जीप जाती हैं, 3 से 3.5 घंटे का ट्रैक है। और बाबून ट्रैक के लिए बहुत ही खूबसूरत उसका मेडो है, बहुत ही खूबसूरत उसका प्लेचू है। और पिछले दिनों में उसकी बहुत ज़्यादा फुटेज इन हुई थी घोड़ों वाली, एक मिनी दोसाई का आपको वहाँ पे मज़ा आता है। तो हम चलते हैं और यहाँ पे मज़ीद जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। कुनलचाही वाटरफॉल को कुटन वाटरफॉल भी कहा जाता है। जब मैं 2011 में पहली दफ़ा कश्मीर आया था तो इस वाटरफॉल का नाम जागरा वाटरफॉल था। इसका पानी बाबून टॉप और इर्द गिर्द में मौजूद ग्लेशियर से आता है। अब ये मुकाम कश्मीर टूर का लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है क्योंकि फैमिलीज़ के लिए इसका एक्सेस नहायत आसान है। ये वाटरफॉल कुदरती नहीं है, बल्कि कुछ साल पहले कुनलचाही और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में बिजली की गर्ज से एक छोटा सा बिजली घर बनाया गया था और एक छोटी सी वाटरफॉल इसी मकसद के लिए बनाई गई। अब यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रिज बना दिया गया है। पहले यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा ब्रिज था जिसके ऊपर 8-10 लोगों की गुंजाइश थी, और कहा जाता है कि वो बच्चे जो गिरे थे यहाँ पे 2019 में 20+ लोग थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ। और सामने ये साइम शहीद यादगार है, इस बच्चे ने 4 लोगों को बचाया था और ख़ुद भी ये 5वें बच्चे को बचाते हुए शहीद हो गया था, और इसको तमगा शुजात दिया गया है। और इस यादगार बनाई गई है इस बच्चे की यहाँ पे, इसकी यहाँ पे शॉप थी चिप्स की। ये इस बच्चे की फ़ोटो है और ये हार्डली 13 से 14 साल की एज बनती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर की एक बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, और इनसे मैं पूछता हूँ ये पहले यहाँ पे कभी आए हैं और इनको कैसी लगी है जगह। भाई जी, भाई आपका नाम? उसामा आरिफ। उसामा आरिफ, यहाँ पे पहले कभी आए हैं? हाँ, मैं पिछले साल अगस्त में आया था यहाँ पे। अच्छा, तो अब दोबारा क्या करने आए हैं? अब दोबारा विजिट दोबारा करने आए हैं। कितने दिन का टूर है आपका? हमारा 3 दिन का टूर है। ज़बरदस्त, कहाँ जाना है आगे तक? आगे हमने औरंगकेल तक जाना है। अच्छा, होगा ट्रैकिंग है, देख लेंगे एक घंटे की। हाँ, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। सही, तो लाहौर से सीधा यहाँ पे आए हैं कि मुजफ्फराबाद? नहीं, लाहौर से सीधा यहाँ पे भी आए हैं, कल निकले थे। आपको कितने लोग थे? हम तकरीबन 22 लोग हैं। तो कैसी लगी ये वैली? अच्छी है माशाल्लाह जी। आपका नाम? मैमुना। मैमुना, आप पहले आई हैं यहाँ पे? नहीं आई। आप तो फिर ज़्यादा इन्जॉय कर रही होंगी इस जगह को। हम ठीक है। बाकी आप देखें यहाँ पे गार्बेज का, आपने देखा कुछ यहाँ पे लोग कूड़ा वगैरह फेंक रहे हैं? जी, बहुत सारे फेंक रहे हैं। डस्टबिन है यहाँ पे? डस्टबिन नहीं है। अच्छा, मैमुना बात कर रही है कि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, इस वजह से लोग यहाँ पे आपको गार्बेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिफाफे भी लोग फेंक रहे हैं। तो ये तो मैनेजमेंट को देखने वाली बात है। हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि गंद ना पाओ,
ठीक है, लेकिन सीन ये है कि यहाँ पे डस्टबिन उस तरह से मैंने भी नहीं देखी। पानी की सुविधा खराब हो रही है। हाँ, बाकी ये है कि बारिश होने वाली है तो बारिश में औरंगेट का ट्रैक नहीं करना आपने, वो बड़ा फिसलन वहाँ पे आ जाती है। ठीक हो गया, चलो बहुत शुक्रिया। वाटरफॉल की लेफ़्ट साइड से एक चश्मा आ रहा है। इस चश्मे के साथ साथ वॉक करता हुआ मैं थोड़ा आगे चला गया। ये जगह बिल्कुल ही अलग थलग सब्ज़े से भरी है, जहाँ सिर्फ पानी के गुजरने का शोर है। ये जो इसका डाउनस्ट्रीम वाटर है कुटन वाटरफॉल का, जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करते हैं छोटा सा चश्मा पानी का दरिया में मिलता है, और मैं उसके साथ साथ वॉक करता हुआ आया हूँ। माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत जगह है, सारा रास्ता दरख्तों से ढका हुआ है, अखरोट के दरख्त लगे हुए हैं बेपनाह, और ग्रीनरी भी है, और पीछे गांव है। तो थोड़ी सी वॉक करके आगे तक चलते हैं। ये जगह माशाल्लाह बहुत ही पुरसकून है। आप सुन रहे हैं कि पानी का शोर है या फिर दूजी खप मैप आई है, लेकिन माशाल्लाह ये पॉइंट जो है वो फितरत के आपको ज़्यादा नज़दीक लग रहा है, लिहाजा मैंने ऐनक लगा लिया। तो अभी थोड़ी सी मैं वॉक करके इस पानी के साथ साथ आगे जाता हूँ, और देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन मैं पिछले आधे घंटे से इधर ही बैठा हुआ था, आपको मैं ग्रीनरी दिखाता हूँ माशाल्लाह कैसी लश किस्म की है, और बीच में पगडंडियाँ बनी हुई हैं जहाँ से लोग गुजरते हैं, गांव वाले गुजर के जाते हैं, और मुँह से बेख्तियार सुभानअल्लाह निकलता है। अभी चलते हैं, इस चश्मे को फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? लकड़ियाँ काटने जा रहे हैं जंगल में? नहीं नहीं, उधर हमारा घर है। घर है माल मवेशी। अच्छा अच्छा, सही सही। किधर से आए हो? हम लाहौर से। आज गर्मी है? आज बेहतर है, कल गर्मी थी बड़ी। अच्छा, हाँ जी। आज आए? नहीं, कल मुजफ्फराबाद में थे, आज आए। इतने सादा लोग हैं माशाल्लाह, इतने प्यार से मिलते हैं। हम लोग जो कहते हैं ना कि अब वो वक्त नहीं है, या दुनिया से खलूस ख़त्म हो गया है, तो उनको चाहिए कि एक दफ़ा इन पहाड़ी इलाकों का विज़िट करें, और यहाँ के रहने वालों से बात करके देखें कि ये लोग कितने सादा और कितने मेहमान नवाज हैं। बाबा जी मुझे मिले थे, और वो मुझे कह रहे थे कि आप हमारे साथ घर पर आएँ, चाय पिएँ, हमारे माल मवेशी हैं वहाँ पर। इन लोगों की लाइफ हालाँकि बड़ी हार्ड होती है, यहाँ पर मौसम बहुत सख्त होता है सर्दियों का, लेकिन माशाल्लाह इनकी हिम्मत है, इनके हौसले हैं। अभी जी वापसी का प्रोग्राम है, वापस चलते हैं, और कुटन की सैर मैंने आपको करा दी, और लेकिन अब आपने एक काम करना है, आपने करना ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है लाजमी, और बड़ा ही ज़रूरी काम मैंने आपसे करना है, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बाकी बातें बाद में कर लें। ग्रिपन ट्रिप के अगले एपिसोड में मैं सफ़र करूंगा मुजफ्फराबाद से केल तक, और हम नज़ारे देखेंगे नीलम वैली रोड के, और ये चेक करेंगे कि सड़क कहां से ख़राब है, और इस सड़क पर किस झील या वैली का ट्रैक कहां से निकलता है। और अगर आप कश्मीर आबशार विज़िट करना चाहते हैं तो मुकम्मल मालूमात के लिए यहां क्लिक करें। अगर वादी नलदर की सतरंगी झील का सफ़र देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। ग्रिपन ट्रिप मेरे साथ रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।